या सो रिमेम्बर दैट कि इन टुडेज क्लास वी विल गो विद व्हाट, वी विल गो विद शेक्सपियर्स 12th नाइट। एंड जस्ट आई वांट टू टेल यू कि बिफोर कमिंग ऑन 12th नाइट आई जस्ट वांट टू रिकॉल, आई जस्ट वांट टू टेल यू सम बेसिक फीचर्स ऑफ शेक्सपियर एंड कॉमेडी। वेन एवर आई टॉक अबाउट शेक्सपियर एंड कॉमेडी ऑलवेज रिमेंबर दैट देर आर सर्टेन पॉइंट, देर आर सर्टेन फीचर्स, देर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी ऑल हैव टू गो, विच वी ऑल हैव टू नो, विच वी हैव टू अल्टीमेटली वी मस्ट बी फेमिलियर विद दोज पॉइंट्स। तो उनमें से एक जो सबसे पहला द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू टेक एंड वॉट इज दैट, दैट इज कि शेक्सपियरियन कॉमेडी इज ऑल्सो नोन एज रोमांटिक कॉमेडी। एक जो हर आदमी को ये पॉइंट पता होना चाहिए, इसके पहले भी द पार्टिकुलर वीडियो ऑन शेक्सपियरियन कॉमेडी दैट इज अवेलेबल ऑन माई चैनल एंड इवन आई हैव टोल्ड यू कि वॉट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी डू यू फाइंड। बट अगेन आई एम हियर टू टेल यू विद इन 10 मिनट्स आई विल समराइज द होल पॉइंट ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। नंबर वन पॉइंट की शेक्सपियरियन कॉमेडी को हम किसके नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रोमांटिक कॉमेडी। इफ यू फाइंड द वर्ड रोमांस ऑलवेज रिमेंबर दैट कि वेदर दैट इट रिफर्स टू रोमांटिक एज, वेदर इट रिफर्स टू रोमांटिक कॉमेडी, वेदर इट रिफर्स टू एनी थिंग, इफ यू फाइंड द वर्ड रोमांस इट मीन्स दैट देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, देर इज इमेजिनेशन। दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप रोमांस को पाएंगे तो रोमांस में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, वन इज ब्यूटी एंड सेकेंड इज इमेजिनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन यू विल गेट। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि सबसे पहला चीज कि जो कॉमेडी है वह क्या है, कॉमेडी इज अ टाइप ऑफ प्ले विच हैज हैप्पी एंडिंग। कॉमेडी एक तरह का प्ले होता है जिसका जो एंडिंग होता है वह क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होता है। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट कि इन कॉमेडी यू विल फाइंड दैट व्हाट, यू विल फाइंड दैट कि द द द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमेडी इज व्हाट, टू अल्टीमेटली समथिंग की टू ब्रिंग डिलाइट प्लेजर जॉय ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट, कि वो सब चीजें पाएंगे कि कॉमेडी। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि इट इज सेड दैट कि कॉमेडी एंड्स इन चर्च यार्ड एंड एंडिंग ऑफ द चर्च यार्ड मीन्स वट, एंडिंग ऑफ द चर्च यार्ड मीन्स दैट इट इज द सिंबल ऑफ वट, इट इज द सिंबल ऑफ द स्टार्टिंग a new type of life, starting life in that is you can say ki aap keh sakte hain ki aisa a new phase of life, a new phase of life, that is what, that is the marriage ka concept ya tamam aur cheezon ko lekar ke. So what I want to say ki there are two important thing, ek to jo comedy hai usme happy ending hoga, दूसरा चीज कॉमेडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमेडी इज टू ब्रिंग डिलाइट प्लेजर जॉय ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। वी आर टॉकिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। एंड अदर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर दैट कि इट इज सेड दैट कि कॉमेडी एंड्स इन चर्च यार्ड नॉट ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड का मतलब तो ये हो गया कि एंडिंग ऑफ लाइफ, बट चर्च यार्ड इज द सिंबल ऑफ व्हाट, चर्च यार्ड इज द सिंबल ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ न्यू फेज ऑफ लाइफ। आप अपने जीवन की एक नई जो है चरण को, नए फेज को आप शुरू कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द न्यू फेज ऑफ लाइफ, इट एंड्स इन ग्रेव यार्ड सॉरी चर्च यार्ड, चर्च यार्ड में ये होता है। तो जो चर्च यार्ड है न्यू फेज ऑफ लाइफ या क्या इंडिकेट करता है, दैट इज द एक तरह से वेडिंग सेरेमनी, हीरो एंड हीरोइन दे ऑल आर गोइंग टू एक्सेप्ट द नॉट ऑफ मैरिज, मैट्रिमोनियल सेरेमनी, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो उसमें जो है वहां पे होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम शेक्सपियरियन कॉमेडी को रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं तो वहां पे व्हाट द टू थिंग्स यू फाइंड, नंबर वन यू फाइंड व्हाट, नंबर वन यू फाइंड कि दैट देयर इज व्हाट लव, नंबर टू यू फाइंड व्हाट ब्यूटी, नंबर थ्री थिंग्स यू फाइंड इमेजिनेशन। जो लव होगा यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और साथ ही साथ जो इमेजिनेशन की हम बात करते हैं तो you will come to know ki sometimes you come to what, sometimes you come to know about what, sometimes you come to know ki there is what ki wahan par aapko ye dekhne ko milega, sometimes you come to ki there is the concept of a romantic land, fairy land, is tarah ka imagination hota hai ki there is
no sorrow, no tears. All other side there is only joy, pleasure, no hurdle, no obstacle. All these things you come to know. तो एक ऐसा जो है इमेजिनेटिव लैंड तैयार किया जाता है जहां पे केवल केवल सुख ही सुख होता है, दैट कंटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया। इसके पहले जब मैंने लेक्चर डिलीवर किया था तो मैंने बताया था कि इन एज यू लाइक इट देर इज फॉरेस्ट आर्डन, फॉरेस्ट आर्डन का जिक्र है। जो फॉरेस्ट आर्डन है वह कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया को लेकर के, अ प्लेस लाइक हेवन वेयर देर इज जॉय, वेयर देर इज प्लेजर, वेयर देर इज नो सॉरो, नो टीयर, नो ऑब्स्टेकल, नो हिंड्रेंस, नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल, सच एटमोसफियर यू फाइंड। तो व्हाट आई वांट टू से कि एक तो इनकी अपनी कॉमेडी में लव है, इनकी अपनी कॉमेडी में जॉय है, प्लेजर है, डिलाइट है, और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है या इमेजिनेशन के माध्यम से और इमेजिनेटिव लैंड के, फेरी लैंड जैसा एक एटमोसफियर तैयार होता है, विच यू विल सी हियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू कि अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि जो शेक्सपियरन कॉमेडी है, शेक्सपियरन कॉमेडी की एक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह चीज क्या है, दैट इज म्यूजिक। ऑफन यू विल फाइंड कि वेन एवर यू गो विथ शेक्सपियरन कॉमेडी देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक, एंड स्पेशली हियर इन ट्वेल्थ नाइट देर इज अ कैरेक्टर ड्यूक आर्सिनो। उस ड्यूक आर्सिनो के दरबार में जो कि जो है कोस्ट ऑफ इलीरिया, एक इलीरिया एक जगह है, उसका भी मैं आऊंगा डिटेल में बताऊंगा, वहां पे रह रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा उनके पूरे दरबार में म्यूजिक चलता रहता है। तो आपको फिर से मैं बता दूं, लव, म्यूजिक, इमेजिनेशन, रोमांस, मैरिज और कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, ब्यूटी, दीज आर 7 or 8 points विच यू विल फाइंड, जो कि आप पाएंगे कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी, वेदर यू गो विथ ट्वेल्थ नाइट, वेदर यू गो विथ एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि ट्रेजी कॉमेडी है, बट टू सम एक्सटेंट यू विल फाइंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हर जगह पर। जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है उसके बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी इज अ फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि शेक्सपियरियन कॉमेडी इज फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी? द वर्ड फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी, इट रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू दैट हीरोइंस आर, या फीमेल कैरेक्टर, नॉट हीरोइन बट फीमेल कैरेक्टर्स आर इन लीडिंग रोल। जैसे जो है ट्रेजिडी में मेल कैरेक्टर्स लीडिंग रोल में है, वैसे यहां पर फीमेल कैरेक्टर्स क्या है, दे आर इन लीडिंग रोल, वे लीडिंग रोल में है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड अल्टीमेटली कि वहां पर फीमेल कैरेक्टर्स हैं और वे लीडिंग रोल में हैं, और उन्हीं के नेचर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फीमेल कैरेक्टर, यू विल फाइंड दैट द कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी हैज बीन डिजाइन, शेक्सपियरियन कॉमेडी को जो डिजाइन किया गया है वह फीमेल का जो नेचर होता है उसको लेकर के डिजाइन किया गया है। जैसे लव है, ब्यूटी है, रोमांस है, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी भी है, ऐसा नहीं, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का भी है, और उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ मर्सी है, पिटी। इफ इफ यू गो विद दीस पॉइंट्स यू विल कम टू नो कि सच अ थिंग हैव बीन डिजाइन देयर, सच अ थिंग्स हैव बीन डिजाइन देयर। सो व्हाट आई वांट टू से कि व्हेन एवर यू टॉक अबाउट शेक्सपियरियन कॉमेडी, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड व्हिच यू हैव टू गो। नंबर वन पॉइंट की इन शेक्सपियरियन कॉमेडी फीमेल कैरेक्टर्स आर इन लीडिंग रोल, जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वे लीडिंग रोल में है। वेदर यू टेक व्हाट, इफ यू गो विद एज यू लाइक इट, वहां पर भी आप फीमेल कैरेक्टर को देखेंगे, ट्वेल्थ नाइट में आज हम बात करेंगे उसमें आप वायला को देखेंगे, ओलिविया को देखेंगे, और आप देखेंगे कि वायला और ओलिविया के आगे ना तो जो है सिबेशियन का कोई रोल है, ना तो ड्यूक ऑर्सिनो का कोई रोल है, वे सबके सब ऐसा लगता है कि काफी हद तक इंफीरियर है। अगर जो है हम शेक्सपियरियन ट्रेजिडी की बात करें तो शेक्सपियरियन ट्रेजिडी में इफ द मेल कैरेक्टर्स आर इन लीडिंग रोल, इफ शेक्सपियरियन ट्रेजिडी गेट इट्स टाइटल एट द नेम ऑफ मेल कैरेक्टर्स स्पेशली हीरोज ऑफ प्रोटेगनिस्ट, यू विल कम टू नो कि हियर इन शेक्सपियरियन कॉमेडी, यू विल
गेट व्हाट, यू विल गेट ओनली वन थिंग, फीमेल कैरेक्टर्स। जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको आप पाएंगे वे लीडिंग रोल में रहिए, और चूंकि उनका नेचर क्या है, अफेक्शन, ब्यूटी, और साथ ही साथ यू विल कम टू नो कि पीटी, और जो और भी ह्यूमनिज्म का जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है ये सब उधर होता है। वहां पे ब्रेवरी की बातें नहीं है, करेज की बातें नहीं है, बोल्डनेस की बातें नहीं है, कटिंग ऑफ द थ्रोट ऑफ द एनिमीज की बातें नहीं है, वहां पे बैटल की बातें नहीं है, वार की बातें नहीं, कॉन्फ्लिक्ट की बातें, नो नॉट एट ऑल। बल्कि क्या है, लव है, मैरिज है, ब्यूटी है, टाइम है, म्यूजिक है, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। और फिर मैंने बताया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सीन डेवलप किया जाएगा जहां पे एक फेरी लैंड का कॉन्सेप्ट होगा कि ऑल द पीपल्स आर बिजी ओनली लव मींस दे ऑल आर इंजॉइंग देयर लाइव्स, लव मेकिंग एलिमेंट्स दे ऑल आर। लेकिन एक चीज और भी है यहाँ पे कि उन शेक्सपियर की एक खासियत रही है, शेक्सपियर ये दिखाते हैं कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ। जो लव दिखाया गया है शेक्सपियरियन कॉमेडी में उसमें एक चीज आप पाएंगे, उसमें जो भी लव प्रेजेंट किया गया, जो भी लव दिखाया गया है वह बहुत आसानी से नहीं चलता है। सम हिंड्रेंस कम, सम प्रॉब्लम्स कम। व्हेन आई विल डिस्कस विद यू ट्वेल्थ नाइट यू विल कम टू नो कि ड्यूक के बीच, वायला के बीच, ड्यूक मीन्स ड्यूक आर्सिनो के बीच, वायला के बीच किस तरह से लव को लेकर प्रॉब्लम्स वहां पर है। सो इन शेक्सपियरियन कॉमेडी इट इज सेड दैट कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ। इसका मतलब जो सच्चा प्यार होता है वह आसानी से अपनी मंजिल नहीं प्राप्त करता, बल्कि क्या होता है उसके रास्ते में कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं। सम हिंड्रेंस कम, सम ऑब्स्टेकल्स कम, सम प्रॉब्लम्स कम, सम यू विल फाइंड मीन्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इट्स नॉट ईजी टू टैकल। तो कभी कभार क्या होता है कि शेक्सपियर इस चीज को टैकल करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स लाते हैं, सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ फेरीज, सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ समटाइम्स एंजल्स। दे कम, दे इंटरवीन बिटवीन टू फैमिलीज, फैमिलीज ऑफ हीरोज, फैमिलीज ऑफ हीरोइंस, देन दे बिकम रेडी, देन हीरोज एंड हीरोइंस दे आर गोइंग टू इंगेज इन मैरिज सेरेमनी, एंड नॉट ओनली दीज कैरेक्टर बट इवन माइनर कैरेक्टर्स दे ऑल्सो डू द सेम जॉब, वे भी सब कुछ वही करते हैं। सो वॉट आई वॉन्ट टू से कि लव एक सब्जेक्ट मैटर है शेक्सपियरियन कॉमेडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन जो लव शेक्सपियर के द्वारा प्रेजेंट किया गया अपनी कॉमेडी में वह अपनी मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम्स कम, हिंड्रेंस कम, सिचुएशंस आर नॉट इन द फेवर ऑफ बोथ हीरोज एंड हीरोइन। Sometimes family members from the side of the heroine, they create so many hurdles. They don't want hero which has been liked by heroine. All these things you will come to know. So Shakespeare usko solve karne ke liye kuch supernatural characters ko in the form of angel, in the form of fairies, they come, they intervene, then they unite. Tab wo unite ho paate. So What I want to tell you ki when we read Shakespearean comedy, when we go with Shakespearean comedy, we have to follow these points ki kya kya hai. Pahle to jab aap us point ko follow kar lenge, tabhi usko apply karne mein maza aayega na. Jo abhi hum log 12th night lenge, usme hum apply karayenge love kahan par hai, music kahan par hai, marriage kaise dekhne ko mil rahi hai, kaise wa hero, kaise female oriented comedy hai. Aisa thodi ki keval theoretical baat hawa hawaii kar liya gaya. नहीं, थियरी को अप्लाई करना पड़ता। अप्लाई कहां पे करेंगे, ड्रामा की बात करें, शेक्सपियरियन कॉमेडी की बात करें, तो जो शेक्सपियरियन कॉमेडी मैं आपसे डिस्कस करूंगा वहीं पर ही तो मैं इसे अप्लाई करूंगा, और तो कहीं जाकर के अप्लाई करूंगा नहीं। सो व्हाट आई वांट टू जस्ट इन्फॉर्म टू यू कि वी हैव टू गो विद दीज पॉइंट। हमें इन सारे पॉइंट्स को लेना है, हमें इन सारे पॉइंट्स को कवर करना है कि कैसे उसको अप्लाई किया जाए। दूसरा चीज, शेक्सपियर की कॉमेडी में जॉन रस्किन ने कहा है, जो कि उनकी कॉमेडी के बारे में, खासकर हीरोइंस के बारे में उन्होंने कहा है कि जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है, इन शेक्सपियरियन कॉमेडी देयर आर नो हीरोज बट हीरोइंस। वहां पे कोई हीरोज नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोज नॉट, बट केवल हीरोइंस है। तो इसी बात को मैंने अपनी लैंग्वेज में ये आपसे डिस्कस किया कि शेक्सपियरियन कॉमेडी में हमें क्या चीज देखने को मिलता है। इन शेक्सपियरियन कॉमेडी वी फाइंड व्हाट वी फाइंड हीरोइंस आर या फीमेल कैरेक्टर्स आर इन लीडिंग रोल। वे किस रोल में, लीडिंग रोल में। सो आई जस्ट वांट टू से
कि व्हेन एवर यू स्टडी शेक्सपियर एंड कॉमेडी यू हैव टू काउंट द फॉलोइंग पॉइंट्स, लव, म्यूजिक, बट द कोर्स ऑफ लव डज नॉट रन स्मूथ, मैरिज, लव, म्यूजिक, मैरिज. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट मैरिज. इट इज सेड दैट कि जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है वहां पे कहा गया कि जो जो लव है, लव क्या है, लव इज फ्रूट ऑफ मैरिज, लव इज फ्रूट ऑफ मैरिज. एंड इन द एंड ऑफ द प्ले यू विल कम टू नो देर इज मेरी मेकिंग एटमोस्फियर, देर इज अ वेरी स्वीट म्यूजिक एंड ऑल द यंग ब्लड्स दे ऑल आर बिजी. What they all are busy in marriage ceremony. There is pair, एक pairing होता है वहां पे कि hero heroine के साथ minor characters. They all are busy in मेरी making atmosphere of marriage ceremony. Yeah. क्लास सर की क्या कितने बजे से अभी? What's the time by your watch? बस आई विल टेक 1 or 2 मिनट. बस मैं शेक्सपियरियन कॉमेडी कंप्लीट कर दूंगा, 12th नाइट मैं कल कर लूंगा. सो व्हाट आई वांट टू से कि वी हैव टू गो विद दिस पॉइंट्स कि लव हो गया, मैरिज हो गया, और मैरिज में मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट में सब मैरिज में बिजी, कोई ऐसा नहीं कि एक रहा है. तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यूजिक को लेकर के मैंने बताया कि म्यूजिक म्यूजिक में 12th नाइट में अगर आप देखेंगे कि उसमें कहा गया कि म्यूजिक को लेके इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन. म्यूजिक को लगातार प्ले किया जाता है वहां पे, तो एक म्यूजिकल एटमॉस्फेयर होता है. शेक्सपियरियन कॉमेडी में ज्यादातर देखने को दो प्लॉट मिलेगा, मेजर प्लॉट और माइनर प्लॉट. मेजर प्लॉट और माइनर प्लॉट दोनों की घटना आपस में मिली होती है, आपस में मिली रहती है, उसमें वहां पे चलता रहता है. चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप इस पर चीजों को करते हैं तो यू विल कम टू नो कि उन्होंने अपनी जो कॉमेडी है उसमें दोनों लैंग्वेज यूज किया, प्रोजाइक लैंग्वेज एंड पोएटिक लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज का यूज किया है. अब बात आती है 12th नाइट का. तो 12th नाइट में जब आप देखेंगे कि ये जो कब होता है, ये 1600 ईस्वी में पब्लिश होता है. इसका जो सब टाइटल है व्हाट यू विल करके है, उसमें अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया कि हीरो वहां पे हीरो का कॉन्सेप्ट नहीं होता, हीरोइन का कॉन्सेप्ट होता है. कैरेक्टर्स में अगर आप देखते चले जो मैंने लिखवाया हुआ था या जो वीडियो अवेलेबल है, वायला, ओलिविया, ड्यूक आर्सिनो, इन तीनों के बीच में लव जो है ट्रायंगल लव है, कंफर्म हो रहा है. जो ड्यूक आर्सिनो है वो जो है ओलिविया को चाह रहे हैं, लेकिन वायला की जो एंट्री होती है वह किसके रूप में जो है सीजेरियो के रूप में. ये सब बातें मैं कर चुका हूं, मैं बाद में भी थोड़ा बहुत करूंगा, 5-10 मिनट का ही होगा. लेकिन उसमें फिर आप देखेंगे कि मालवोलियो का रोल, फिर सिबेस्टियन का रोल, फिर किस तरह से पूरी सिचुएशन जो है म्यूजिकल में मैरिज में लास्ट में सारी प्रॉब्लम सारी हर्डल खत्म हो जाती है. और इस ट्रायंगल लव को जो डिस्गाइज फॉर्म में वायला के द्वारा सिजेरियो का रोल किया गया है, हाउ इंटरेस्टिंग दैट थिंग. तो मेरा कहने का मतलब जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, ऑल दीज पॉइंट्स यू विल गेट, लव आपको मिलेगा, मैरिज आपको मिलेगा, ब्यूटी आपको मिलेगी, और ब्यूटी में इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ऐसा नहीं केवल शरीर की ब्यूटी है, फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी आपको मिलेगा, म्यूजिकल एटमॉस्फेयर मिलेगा, मेजर और माइनर प्लॉट आपको दोनों चीज मिलेगा, पोएटिक लैंग्वेज में और प्रोसाइक लैंग्वेज में लिखी गई ये भी आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, और साथ ही साथ ये भी मिलेगा कि द कोर्स ऑफ लव ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, ये भी मिलेगा. फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो भी आपको मिलेगा. तो मेरा आपसे कहना है कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इस पार्टिकुलर चीज को एक बार आप खुद से अप्लाई करके ये देखिए कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, डू यू गेट दिस पॉइंट्स आर नॉट इन 12th नाइट, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव गॉन विद 12th नाइट, ऑल द कैरेक्टर्स, थीम, सब्जेक्ट मैटर सब आपको पता है. तो आप उसको एक बार खुद से अप्लाई करके देखिएगा कि डू यू गेट दिस थिंग्स आर नॉट. ओके, वी विल मीट इन मॉर्निंग टुमारो एट 8 AM.